हम बात करेंगे वर्षों से लंबित प्रोजेक्ट के डिटेल्स के बारे में, जो कि सहरसा से मानसी के बीच बनने जा रहा है। सहरसा से मानसी के बीच 41 किलोमीटर रेलखंड पर दोहरीकरण प्रोजेक्ट को लेकर अब सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। ऐसे में इस वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स के साथ साथ लेटेस्ट जानकारी के बारे में, जो कि रेलवे की तरफ से जारी की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेटेस्ट वीडियो अपडेट। दरअसल समस्तीपुर डिवीजन के द्वारा इस रेलखंड पर दोहरीकरण को लेकर तैयारी चल रही है। उम्मीद है कि अगले सप्ताह सहरसा मानसी रेलखंड पर होने वाले दोहरीकरण प्रस्ताव को रेल बोर्ड को भेजा जाएगा। इसके अलावा सहरसा यार्ड रिमॉडलिंग का भी प्रस्ताव रेल बोर्ड को एक साथ कंप्लीट करने की तैयारी चल रही है, जिसके बाद इस रेलवे स्टेशन से सफर करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगा। हालांकि फंड आवंटन हो जाने के बाद अब निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद जग चुकी है और सूत्रों की माने तो अगले वर्ष में दोनों प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाएगी। सहरसा से मानसी के बीच 41 किलोमीटर रेलवे लाइन का दोहरीकरण कार्य किया जाना है और वर्ष 2005 में आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हुआ था। तत्कालीन रेल मंत्री ने बड़ी रेलवे लाइन लोकार्पण के दौरान घोषणा की थी कि वर्ष 2008 में सहरसा मानसी के बीच दोहरीकरण कार्य कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसके बाद विभाग ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को पूरी तरह से पूर्ण विराम लगा दिया था, जिसके बाद यह प्रोजेक्ट वहीं पर रुक गई। लेकिन अब लग रहा है कि इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया जाएगा। सहरसा मानसी के बीच 41 किलोमीटर रेलखंड पर सबसे अधिक ट्रेनों का ट्रैफिक दबाव रहता है। ऐसे में सिंगल लाइन होने की वजह से कई बार मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन विलंब हो जाती है। इनमें जनहित एक्सप्रेस ट्रेन सहरसा समस्तीपुर पैसेंजर ट्रेन, जानकी एक्सप्रेस ट्रेन सहरसा समस्तीपुर पैसेंजर ट्रेन के अलावे सहरसा से चलने वाली तमाम ट्रेनों का भी संचालन लेट से होता है। समस्तीपुर और सोनपुर रेल मंडल में लगभग 80% रूट पर दोहरीकरण कार्य कंप्लीट हो चुका है और हाल ही में दरभंगा और समस्तीपुर के बीच दोहरीकरण कार्य कंप्लीट हो जाने के बाद इस रेलखंड पर बचा हुआ कार्य भी जल्द कंप्लीट होने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट में बात करेंगे अन्य ट्रेनों के डिटेल्स के साथ साथ लेटेस्ट प्रोजेक्ट के अपडेट के बारे में। फिलहाल यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें नई ट्रेनों के लेटेस्ट अपडेट के लिए।